बजट के अभाव में जिले का विकास थमा, अधूरे पड़े सड़क और पुल पुलियों से लोगों को आवागमन में हो रही बाधा। नगर पालिका कर रही शहीदों की प्रतिमाओं का रंगरोगन, नगर को सुंदर स्वच्छ बनाने चल रहा अभियान। और कृषि कानूनों के विरोध में रैली निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन से जोड़ने के लिए जहां सड़क और पुल पुलियों का विभिन्न निर्माण एजेंसियों के द्वारा करवाया जा रहा है, वहीं अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी भी सड़क और पुल पुलियां न होने से वहां के लोग आवागमन से वंचित हैं। जिले के ग्रामीण वनांचल क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जिले के परसवाड़ा, बैहर, बिरसा, किरनापुर और लांजी विकासखंड में निर्माण कार्य बंद होने की वजह से अनेक गांव के लोग आवागमन से वंचित हैं। साथ ही वर्तमान में कुछ कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। यही स्थिति बैहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बिठली उकवा से दुगलई दूरी 16 किलोमीटर की है, जहां करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, फिर भी लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है। नगर पालिका द्वारा नगर में स्थापित शहीदों की प्रतिमा और काली पुतली चौक में लगी प्रतिमा की सफाई कर उसका रंग रोगन किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रारंभ हो गया है, जिससे नगर पालिका के प्रशासक कलेक्टर दीपक आर और नगर पालिका सीएमओ के निर्देश पर स्वच्छता के तहत नगर में लगाई गई शहीदों की प्रतिमाओं सहित अन्य प्रतिमाओं की सफाई कर उसको पेंट कराया जा रहा है, क्योंकि प्रतिमाओं पर धूल बैठ गई थी और प्रतिमाओं पर सालों से पेंट नहीं हुआ था। शहर में लगभग सभी शहीदों की मूर्तियों को हमने पेंट कर चुके हैं, एक या दो मूर्ति बची है तो उसको भी पेंट किया जाएगा। चूँकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चालू हो गया तो हमारे प्रशासक महोदय, माननीय कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब के आदेशानुसार शहर में जो मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा ये गंदी हो चुकी थी और बहुत सालों से पेंट नहीं हुआ था, उनको सब कलर करके शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के नेतृत्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से किसान क्रांति रैली निकाली गई। रैली नगर के कठपुतली चौक से पहुंच धरना स्थल आंदोलन में तब्दील हुई। इस दौरान मोदी सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि बिल की होली जलाकर कृषि कानून का विरोध किया गया। किसान क्रांति मार्च है और दिल्ली की बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए लाखों महिला पुरुष बच्चे तो खुले आसमान के नीचे, और वो जो काले कानून बनाए हैं मोदी सरकार ने, 3 काले कानून, उनको वापस लेने की, उनको रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी कानून बनाओ। तो उसमें बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो उसमें था नहीं, इसमें नहीं था नहीं, उसकी कानून उसके लिए भी कानून बनाओ आप, इसमें किसान लूटे ना। अभी मोदी सरकार जो बार बार जो बता रही लोगों को, और कल जो उनका था जो उन्होंने मन की बात की है उसमें भी लोगों को बहुत गुमराह किया उन्होंने। मतलब उन्होंने कहा कि ये बाज़ार में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं देश में। अरे जब मंडी नहीं होगी तो वहाँ कौन लेगा उनके धान को, और कहाँ समर्थन मूल्य मिल जाएगा उनको? मंडी ख़त्म तो व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदा करेगा। ये झूठ है एक प्रकार से किसानों की, और मोदी सरकार से हम यही फिर से निवेदन कर रहे हैं किसानों की तरफ से कि भाई ये किसानों ने आपकी सरकार बनाया है और किसान के लिए आपने बिल बनाया है, बोल रहे हैं किससे फ़ायदा होगा, ये किसान के लिए आपने बिल बनाया है, कानून बनाया, किसान ही बोल रहे हैं कि नहीं हमको ये कानून नहीं होना, इसको रद्द करो। तो आपको तकलीफ क्या हो रही है, आपको क्या परेशानी हो रही है? जिनके लिए आपने कानून बनाया वो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए इसके लिए। बालाघाट जिले में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने शासकीय स्कूलों में पदस्थ डेटा एंट्री ऑपरेटरों की मांगों को लेकर 26 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में सहायक ग्रेड 3 के पद के विरुद्ध डेटा एंट्री ऑपरेटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। अल्पवेतन में काम करने के बावजूद नहीं मिलने से डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे जिले में आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है और उनको 2 माह से अभी तक वेतन नहीं मिला है, जबकि वो शासकीय स्कूलों में नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनको कुछ प्राचार्यों के द्वारा उपस्थिति पत्रक में साइन करने नहीं दिया जा रहा है। तो इन्हीं स्थानीय मांगों को लेकर साथ ही साथ हमारे प्रांतीय निर्देश अनुसार, प्रांताध्यक्ष भरत भाई पटेल के निर्देशानुसार, चूँकि हम चाहते हैं कि ये सहायक ग्रेड 3 के पद के विरुद्ध डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
हम चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद करके इनकी नियमित नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 के पद पर हो, ताकि स्कूल में जो लिपिकी कार्य इनके द्वारा कराया जा रहा है उसका नियमित संचालन हो सके। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आगे और क्या कार्रवाई? देखिए, हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लाकर उनका समाधान करना चाहते हैं, और सरकार से शासन से बात करके इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। अगर यदि नहीं होता है तो फिर लामबंद होकर हम किसी भी स्थिति में जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। बालाघाट में नगर पालिका क्षेत्र के आज भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां की सड़क भूमि पूजन का इंतजार कर रही है। यदि भूमि पूजन हो भी गया तो ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। अब नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, जिसके चलते शनिवार को वार्ड 32 में सड़क का भूमि पूजन किया गया। स्थायी रूप से मकान और दुकान पीडब्ल्यूडी से लगभग 10 वर्ग फीट पर बने आवासों को प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है, जबकि रहवासियों के द्वारा 50-60 वर्ष से इस जगह पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके चलते आवासों को नहीं हटाने की मांग को लेकर कटंगी तिरोड़ी के ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तिरोड़ी जो रोड बना है पीडब्ल्यूडी रोड, उस पर 50-60 साल उसके साइड से हमारा रहना हो रहा है, तो उसमें हमारी दुकान भी और घर भी है। तो अभी जब रोड बना तब नहीं टूटा मकान, और अभी एक त्रिवेदी है उसके जो बहुत पीछे रहता है उसने आपत्ति लगा करके उन पर नेताओं पे और अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है कि इन चार लोगों का मकान तोड़ो, पांच लोगों का जो सामने दुकान है वो तोड़ो। तो उनने रात में जाके गिरा दिया। कैसे गिरा? यानी उनका वहाँ रहना था, उन लोगों ने गिरा दिया। तो हमारा कहना है कि अगर अतिक्रमण अगर हटाना ही है तो ये पाँच लोगों ले, क्यों? क्योंकि तिरोड़ी की पूरे लाइन से हटे तो हम लोग बिना प्रशासन के हम हटा लेंगे, लेकिन हटाने की स्थिति, जबकि रोड की सीमा से वो 10 से 12 फीट पीछे है। पिछले 70 साल से दुकान है फोटोकॉपी की। अभी सर हम लोग ने पथ विक्रेता से 10,000 रुपये लेके फोटोकॉपी की उसमें पैसा लगाए हैं। अब हम लोग को कहा जा रहा है 3 दिन का टाइम देके, ये कोई सब इंजीनियर सनोड़िया है, इनने ये दबाव में आके ये लेटर जारी किए हैं और इतना दबाव दे रहे हैं कि आज बुलडोजर आ रहा है अपने सब हटा लीजिए, नहीं तो आप लोग की चीज़ों पे बुलडोजर चल जाएगा। तो सर हम लोग ये कोरोना काल में जबकि इतनी समस्या चल रही है तो एक एक मतलब रुपए कमाने की दिक्कत है, बनी बुनाई दुकान वो आके तोड़ेंगे तो सर हम लोग तो सड़क पे हो जाएंगे ना। हम लोग का ये कहना है कि भाई हम लोग पे बुलडोजर आप चला दो ना, हम लोग रहेंगे ना खाने की समस्या रहेगी ना दुकान रहेगी। रोड बना तब भी नहीं, रोड बना सर तब दुकानें नहीं टूटी। और तिरोड़ी में अतिक्रमण आएगा तो 100 दुकानें आ रही हैं लगभग अतिक्रमण में, ये पाँच ही दुकान क्यों? मतलब ये पर्सनली दुश्मनी निकाला जा रहा है। पर्सनली दुश्मन मनोज तिवारी, मनोज चतुर वो है ना, कौन मनोज त्रिवेदी है, वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर, आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तिरोड़ी मॉयल लिमिटेड में माइंड मेट के पद पर कार्यरत तिलक चंद बागड़े के पुत्र प्रतीक बागड़े ने नीट की परीक्षा में 720 में से 580 अंक अर्जित कर स्टेट लेवल पर 1907वीं रैंक प्राप्त कर शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में MBBS के लिए प्रवेश मिला है। उनके पिता तिलक चंद बागड़े ने बताया कि प्रतीक बचपन से ही होशियार है और उसका सपना डॉक्टर बनने का था, जिसके लिए वह हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। प्रतीक की इस उपलब्धि पर उसके इष्ट मित्रों और चाहने वालों ने बधाई दी है। जनता को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले में भी मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कलेक्टर दीपाकार, अपर कलेक्टर नोबेल फ्रैंक ए के निर्देशानुसार चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा सतत रूप से मिलावट की मौके पर जांच की जा रही है। इसी क्रम में 25 दिसंबर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट के बच्चूमल कंवरमल किराना, आनंद किराना, अप्सरा एजेंसी, श्रीराम अनाज भंडार, पल्सेस हाउस, बागरेचा किराना भंडार, संतोष एजेंसी, एसके ट्रेडर्स, साजनदास किराना भंडार, पूजा ट्रेडर्स से विभिन्न चावल, दाल, तेल, मसाले, वनस्पति चाय, खड़े मसाले, ड्राई फ्रूट इत्यादि खाद्य पदार्थों के 122 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। प्रदेश में चल रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत शनिवार को लालबर्रा की खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा की गई, जिसमें जैन दूध डेयरी, दिनशा डेयरी, साधु राम किराना, बुधराम हटवार, चावल वाले, चंदुमल किशनचंद किराना, राजेश करमेले के साथ सहित बेसन, दाल, अनाज, गरम मसाले, खाद्य तेल, तिलहन के 159 नमूने जांच के लिए, जबकि जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर कुजरी चौक स्थित नरेश किराना और मानपुर
स्थित महेंद्र किराना को सील किया गया। अनियमितता के कारण 8 खाद्य प्रतिष्ठानों को धारा 32 का सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया। अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। रबी 2020-21 में बीमा पंजीयन और प्रचार के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रचार वाहन को शनिवार को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेले, शिव गोविंद मरकाम, उपसंचालक किसान कल्याण कृषि विकास विभाग आरगौर और AIC जिला प्रतिनिधि राकेश पटले मौजूद थे। आदिवासी वर्ग के 22 छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखने और सीएम हेल्पलाइन के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैहर के प्राचार्य BR कुरवेती के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और निलंबन का प्रस्ताव जबलपुर संभाग के आयुक्त को भेजा है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैहर के प्राचार्य BR कुरवेती की लापरवाही के कारण संस्थान के आदिवासी वर्ग के 22 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका है, क्योंकि उनका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं किया जा सका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।